हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए स्वागत करते हैं आपका नवांकुर के डिजी लेसन्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का लेसन 4। तो आइए चलते हैं कक्षा 10 विज्ञान के लेसन 4 पर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। देखिए, हमें इस लेसन को पढ़ने से पहले, जैसा कि उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, तो हमें कार्बन के बारे में समझना होगा। आप लोगों ने कक्षा 9th में, क्लास 9th में कार्बन के बारे में पढ़ा है। हमने 1 से लेकर 18 तक के तत्वों का अध्ययन किया है, उनके परमाणु क्रमांक याद किए हैं, उनमें से एक है कार्बन। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक सी है। सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन भूपरवटी में खनिजों के रूप में 0.02%, मतलब जमीन के नीचे हमें 0.02%, तथा हमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में 0.03% मिलता है। कार्बन भूपरवटी पर सर्वाधिक मात्रा में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया की हर एक वस्तु में कार्बन है। हम जब सुबह से उठते हैं और रात को सोते हैं, तो हम अधिकतर वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिनमें कार्बन होता है। आप इन सभी की सूची बनाइए तथा नोट कीजिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है किसमें कार्बन है। सभी सजीव पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बनिक यौगिकों से बना होता है, तो कार्बन इतना उपयोगी है तो क्यों ना हम कार्बन के उपयोग के बारे में पढ़ें, कार्बन के बारे में और अच्छे से जानें। देखिए, कार्बन में सहसंयोजी आवंध होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना सीखा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं? हम देखते हैं कि जितना भी परमाणु क्रमांक होता है, उसके अनुसार हम सारे सेल्स में KLM में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। और किस नियम से करते हैं, ये भी हमने सीखा था, 2n² के रूल से करते हैं। तो कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, लेकिन जितने भी शेष बचते हैं हम उसको सेकंड में ट्रांसफर करते हैं। पहले हम पहला ऑर्बिट भरते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी कितने बचे, 4। आइए हम कार्बन को और अच्छे तरह से जानें। कार्बन में का परमाणु क्रमांक 6 होता है, मतलब उसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप सभी जानते हैं कि कार्बन को उसका अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। सभी जानते हैं अष्टक मींस 8 होता है ना? तो हम सभी को, सभी तत्वों को अपना अष्टक पूरा करना आवश्यक होता है। जैसे कि हमें इस दुनिया में जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि हम भोजन नहीं करते तो हम अपना स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब हम खड़े नहीं रह सकते, इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे ही कार्बन को भी या अन्य तत्वों को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अष्टक पूरा करना पड़ता है, अपने अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना होती है। जिसके भी पास ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते या उसका पहला आखिरी सेल उसका भरा नहीं होता, तो उसको लड़ाई लड़ना पड़ती है या उसको किसी से दोस्ती करना पड़ती है जो कि उसको इसकी पूर्ति कर सके। जैसा कि हम देख रहे हैं कार्बन की लास्ट सेल में, मतलब सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना? अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4 है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की, है ना? अब 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे तो उसका जो फर्स्ट सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा,
या फिर कुछ चार इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? उत्कृष्ट गैस का मतलब आप सभी जानते हैं कि ऐसी गैस या ऐसा तत्व जिसको ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़े और ना किसी से लेना पड़े, मतलब उसका अष्टक पूर्ण हो। तो सभी तत्वों को अपना अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनों की या तो साझेदारी करना पड़ती है ना, और या फिर किसी को देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन या किसी से लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन चतुसंयोजी, मतलब उसकी संयोजकता कितनी है? चार है। अब कार्बन ना तो चार इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाए, मतलब जो देता है वो धनी होता है ना, ना ही चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता है, आयनिक बंध बनाता है। अब ना तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता। क्यों? क्योंकि चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। धारण नहीं कर सकता मतलब उसके पास चार इलेक्ट्रॉन तो हैं, हमारे घर में चार लोगों के लिए रहने के लिए जगह है, चार और आ जाते हैं तो उनको रखना कितना कठिन होता है ना। ऐसे ही कार्बन चार इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता। कार्बन द्वारा चार इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब चार इलेक्ट्रॉन उसके पास है, अब वो उनको दे भी नहीं सकता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए किसी को दूसरे को देने के लिए, है ना। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कार्बन बनाता है, मतलब वो क्या करे? ना तो किसी को दे ना किसी से ले, क्या करे वो? साझेदारी करे, मतलब उसकी जो चारों संयोजकता है, चारों तरफ संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे सबसे वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेता जाए और साझेदारी करता जाए, है ना। तो ना किसी को देना पड़ेंगे और ना किसी से लेना पड़ेंगे। तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आवंद को सहसंयोजी आवंद कहते हैं। एक ही प्रकार या तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से साझेदारी कर ले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने, या विभिन्न प्रकार के, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आवंद को सहसंयोजी आवंद कहते हैं। आगे आप अच्छे से समझते जाएंगे। अब क्या केवल कार्बन ही है जो साझेदारी करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आवंद बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि साझेदारी तो कोई भी कर सकता है, दोस्ती तो कोई भी कर सकता है, जिसको भी आवश्यकता पड़े वो दोस्ती करके पार्टनरशिप कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का आपस में आदान प्रदान करे। जैसे हम हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन का आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है ना, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का एक एक, H2 मतलब एक हाइड्रोजन का एक, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक। अब दोनों को अपना अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अष्टक पूरा करना मतलब लास्ट वाले सेल को भरना। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही सेल होता है, उसी को भरना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक सेल है, तो पहले में कितने होते हैं? दो। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक और की जरूरत है, और वो एक कौन दे सकता है? केवल हाइड्रोजन, है ना। तो हम हाइड्रोजन अपने ही भाई हाइड्रोजन से दोस्ती करता है और क्या बनाता है? सहसंयोजी आवंद बनाता है, मतलब पार्टनरशिप करता है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, साझेदारी हो रही है ना एक एक इलेक्ट्रॉन की। साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एकल आवंद कहलाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल आवंद बनेगा, दो दो की साझेदारी होगी तो द्वि आवंद बनेगा, और तीन तीन की साझेदारी होगी तो त्रि आवंद बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन के बीच आवंद बनना। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8।
पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने बचे? 2 के बाद 8 में से 2 गए तो कितने बचे? 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता? 2 इलेक्ट्रॉन की। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा जिसको 2 की जरूरत हो? देखिए, आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं ये। अब हमें क्या चाहिए? ये 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हम दूसरे ऑक्सीजन का भी इसी तरह से पिक्चर बनाएं कि यहाँ पर क्या हो जाए, हमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए। बीच में हम इसको रख लेते हैं, तो जब इस ऑक्सीजन को जरूरत होगी तब ये भी इसका उपयोग कर सके, और जब इसको जरूरत होगी तो ये भी उपयोग कर सके। ऐसे हम दोनों ऑक्सीजन के यदि हम अलग अलग गिने तो इसके पहले वाले ऑक्सीजन के भी 8 हो रहे हैं और दूसरे वाले के भी 8 हो रहे हैं, और यदि अलग अलग देखें तो यहाँ कितने हो रहे हैं? 8, 6, यहाँ 6, है ना? समझ में आया आपको? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ऑक्सीजन का द्वियावंद बन रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बीच में आवंद बनना। अब हम नाइट्रोजन के बीच में आवंद बनना देखते हैं। देखिए, एक नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक? तो बताइए क्या होता है? आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसमें कितने दिखाई दे रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, है ना? और 2 पहले वाले में होते हैं तो कितना परमाणु क्रमांक है इसका? 7। इसका भी 7, क्योंकि हमने क्या लिखा है, N2। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। दूसरे में 5। हमें अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की। कितने की जरूरत है? 3 की। 3 कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? इसका ही भाई, है ना? हमने कैसा पिक्चर बनाया है? 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, है ना? यदि हम यहाँ पर गिने तो यहाँ हो रहा है 5, यहाँ हो रहा है 5, और यदि हम एक साथ ये सब जोड़ दें तो इसके कितने हो रहे हैं? पूरे 8, और इसके भी पूरे 8, और साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है? 1, 2, 3, त्रियावंद बना, है ना? तो इस तरीके से नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में त्रियावंद बन रहा है, 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम जल के अणु के बीच आवंद बनना। जल के अणु में क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं? जल का सूत्र H2O होता है ना? जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आवंद बनता है, H2। मतलब कितने हमारे पास हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, दूसरे का भी 1, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8। हम सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करें तो 2 पहले सेल में, दूसरे में कितने हुए? 6। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इस ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? 2 की। तो हम इस तरफ से इसको जोड़ दें, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिलेगा। इस तरफ से इसको जोड़ दें तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को मिलेगा और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को मिलेगा। तो पार्टनरशिप से क्या होगा? इस हाइड्रोजन की भी पूर्ति होगी, इसकी भी पूर्ति होगी, और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऐसे करके इन सब के बीच एकल आवंद का निर्माण होगा।
आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सहसंयोजी यौगिक बन गए हैं तो इनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। सहसंयोजी यौगिकों की गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। इनके बीच में जो आकर्षण होता है वो बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते। तो आप इनके गुण याद रखिए, परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। अब कार्बन के दो कौन कौन से गुण होते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कार्बन का पहला गुण है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है चेन बनाना। कार्बन चेन बना बना के सभी तत्वों से जुड़ जुड़ कर अपना अष्टक पूरा करता है। दूसरी चतुसंयोजकता। आप जानते ही हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार, इसलिए इसका ये गुण क्या कहलाता है, चतुसंयोजकता। अब श्रृंखलन देखते हैं। श्रृंखलन का क्या मतलब होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला या साखित श्रृंखला और बलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। या तो कार्बन कार्बन ही परमाणुओं से जुड़ता जाए और लंबी चेन बनाता जाए, या फिर वो शाखाओं के रूप में मतलब ऊपर नीचे जुड़कर बनना ले, या फिर बलय मतलब रिंग की संरचना वाले यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। अब है चतुसंयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता चार है जिसके कारण कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन या क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। इसका मतलब ये है कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता तो है और जिसको भी एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना है वो आके कार्बन से दोस्ती कर ले और उसके चारों साइड में से किसी भी साइड पे आके ऐड हो जाए। तो कार्बन तो सबसे दोस्ती करता है, सबको ऑफर करता है जिसको आवश्यकता है, या फिर जो उसके साथ पार्टनरशिप कर सके वो आके उससे फ्रेंडशिप करे। आगे बढ़ते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजनों के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन और कार्बन, इसलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को दो प्रकारों में बांटा गया है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, जैसा कि आप संतृप्त वर्ड से समझते हैं कि संतुष्टि प्राप्त हो गई है, मतलब और किसी की आवश्यकता नहीं है, उनको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त इसका मतलब अभी और आवश्यकता है ना। तो कार्बन परमाणुओं के बीच में अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, संतृप्त किसे कहते हैं। संतृप्त का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं के बीच में यदि एकल बंध बने तो उसको बोलेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कंडीशन होना चाहिए कि एकल बंध का निर्माण हो, मतलब एक ही साइड से एक या तो हाइड्रोजन जुड़े या फिर कोई और तत्व जुड़े, उनको कहते हैं हम एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर n 1, 2, 3, 4 हो सकता है, ठीक है, 1 से शुरू होता है और जहां तक भी हम चाहते हैं वहां तक कर सकते हैं, मतलब हम n की वैल्यू 1 से शुरू कर सकते हैं। तो क्या समझा हमने, कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध जिसमें बनता है उनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब है कार्बन परमाणुओं के बीच
द्वियावंद या त्रियावंद बनना, या तो दो आवंद बने या फिर तीन बने, उनको बोलते हैं हम असंतृप्त। द्वियावंद वाले एल्कीन कहलाते हैं और त्रियावंद वाले एल्काइन कहलाते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझना होगी कि एल्केन क्या कहलाते हैं और इनका फॉर्मूला क्या होता है। दूसरी बात, एल्कीन कौन होते हैं? एल्कीन मतलब जिसमें द्वियावंद बने, एल्काइन मतलब जिसमें त्रियावंद बने। इनके फॉर्मूले हमें याद रखना है जिससे हम आगे सारे सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब ये याद रखना मुश्किल होता है कि किसमें प्लस टू है किसमें माइनस टू है, तो हम प्लस से ही स्टार्ट करते हैं। हम केवल इस फॉर्मूले को लर्न करते हैं CnH2n+2। अगली बार जब हम एल्कीन पर जाएंगे तो ये वाला 2 इसमें से हटा देंगे, ठीक है, पीछे वाला। तो क्या बन जाएगा? CnH2n। एल्काइन पे जाएं तो हम इसमें से फिर से -2 कर दें। अभी हम -2 ही कर रहे हैं, देखिए इसमें -2 किया तो क्या बचा? केवल CnH2n, एल्कीन का फॉर्मूला बना। फिर से CnH2n में से -2 कर दें तो क्या बचेगा? CnH2n-2। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है जो आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। आती है आप लोगों को बिंदु संरचना बनाना आती है, संरचना बनाना आती है, एग्जाम में जरूर आती है। हमें फॉर्मूले लर्न रखना है। कार्बन जो चैप्टर है आपका, ये इस 10th क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है, लेकिन बच्चे इसे कठिन समझकर ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपने स्टार्टिंग से इसको अच्छे से समझा तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम और आणविक सूत्र हम टेबल में एक फॉर्मूले से लर्न करेंगे। देखिए कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र और संरचनाएं दी हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये जो मैथ है इसका मतलब है कार्बन परमाणु 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रहा है। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हैग, हैप, ऑक, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारे 10th क्लास में किस सिलेबस में? हेक्सेन तक है, मतलब C6 तक है। ठीक है, हमें फॉर्मूला लर्न करना है बस CnH2n+2, और n का नंबर बढ़ाते जाइए 1 से, संरचना बनती जाएगी। देखिए कार्बन एक है, चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन है, कितने कार्बन जुड़े हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 6। ऐसे 3 कार्बन, 8, 4, 10 हाइड्रोजन, 5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दो 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 बढ़ते जा रहे हैं और कार्बन एक 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 करके बढ़ता जा रहा है ना? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। आगे बढ़ते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में क्या क्या आने वाला है? एल्कीन और एल्काइन, है ना? इसकी टेबल भी आगे दी हुई है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, देखिए बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। एल्कीन यहाँ तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। एल्काइन, अब एल्कीन देखिए, एल्कीन के आणविक सूत्र आपको पता है किससे बना है? CnH2n से। अब यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एल्केन थे उसमें N1 से स्टार्ट किया था हमने, है ना?
एन वन से स्टार्ट किया था, मतलब एन की वैल्यू वन रखी थी। अब यहां पर हम टू से स्टार्ट करते हैं, वन नहीं होती है यहाँ एन की वैल्यू, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिए आपको दिख रहा होगा सी टू एच फोर, वहां सी से ही था केवल, है ना, सी टू एच फोर, सी थ्री एच सिक्स, एथीन प्रोपीन, यहाँ मैथीन नहीं है, उधर मैथेन था, इधर मैथीन नहीं है, यहाँ सीधे क्या है, एथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन, इस तरीके से, ठीक है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रोपीन ब्यूटीन, ठीक है, बस फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे, इसको बनाना बहुत आसान है। आगे है एल्काइन, ये भी असंतृप्त में आते हैं, देखिए उसी फॉर्मूले से चल रहा है, किस फॉर्मूले से, CnH2n-2, यहां पर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, C2 हो जाएगा, H की वैल्यू भी क्या रखेंगे हम, n की वैल्यू यहां पर भी 2 रखेंगे, 2 2 जो हो जाएगा 4, 4 में से 2-2, तो क्या बना C2H2, है ना, 3 रख लीजिए, रख लीजिए n की वैल्यू 2 रख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, n की वैल्यू 3 रखिए, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने फॉर्मूले देखे, अब हम संरचना देखते हैं, ये जो बनी दिखाई दे रही है ना आपको, ये संरचना है, ये संरचना है, इसमें सीधी श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको, कार्बन सीधे सीधे चेन से जुड़ रहा है, ये सीधे सीधे जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं हम सीधी श्रृंखला, ठीक है, यहाँ पर साखित नहीं है, मतलब कार्बन इधर नहीं जुड़ा है, ऐसे नहीं जुड़ा है, ऐसे नहीं जुड़ा है, इसको साखित बोलते हैं, ये जो सीधी चेन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं सीधी श्रृंखला, ठीक है। अब यहाँ पर चार बॉन्ड दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और इसको पूरा स्टक कर रहे हैं कार्बन का, और खुद का भी कर रहे हैं साथ में, है ना। दूसरी श्रृंखला होती है साखित श्रृंखला, ये देखो जैसे मैंने बताया था आपको, साखित ये कार्बन कार्बन के साथ ही ऊपर नीचे जुड़ा है ना, तो इस तरीके की संरचना को बोलते हैं साखित श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं, बलय, बलय का मतलब होता है रिंग, मतलब कार्बन किस तरीके से जुड़ा हो एक दूसरे से, रिंग से, ये संतृप्त कहलाती है और ये असंतृप्त कहलाती है ना, आप बना के देखेंगे बहुत आसान। अब सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु बलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है तथा उसकी संरचना इस प्रकार है। क्या आप साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, साखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन की संरचना होती है C6H6, जैसे दिख रहा है आपको कि कार्बन जब बलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसको हाइड्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। यहाँ देखिए आप बेंजीन में देखिए C6 कार्बन भी कहते हैं 6 और हाइड्रोजन भी कहते हैं 6, तो हाइड्रोजन की आवश्यकता हमें कम पड़ी ना, क्यों कम पड़ी, क्योंकि एक सर्कल बना लिया है ना, तो सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता कम पड़ रही है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन की आवश्यकता कम होती है। इस प्रकार की चेन को हम साइक्लो कहते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, इसलिए उसमें वर्ड जुड़ा होता है साइक्लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब हमने क्या सीखा कि केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं, अभी हमने सीखा, और ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड वाले एल्कीन कहलाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले त्रि आबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में केवल एल्कीन आ रहे हैं और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है प्रकार्यात्मक समूह, मतलब प्रकार्यात्मक मतलब इसको हम पढ़ते हैं क्रियात्मक, जो क्या करे, क्रिया करे। और इसके बारे में हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक तत्व या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ऐसे तत्वों को हम विषम परमाणु कहते हैं। मतलब क्या हो जाए कि जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं चारों तरफ या तीन तरफ, उनको कोई आके वहां से हटा दे, उसकी संयोजकता तो संतुष्ट रहे लेकिन उसकी प्लेस कोई और ले ले, जिससे कि उसके गुण परिवर्तित हो जाएं, उनको बोलते हैं हम क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। उनके आने से क्या होगा कि इनमें एक विशिष्ट गुण आ जाएगा, जब वो हाइड्रोजन को हटा के स्वयं आ जाएंगे तो उस यौगिक को एक विशिष्ट गुण प्रदान करेंगे। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं जो कि आके उस यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करे, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। अब ये जो क्रियात्मक समूह है कुछ यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप याद करें, और हम फिर आगे आने वाले अपने वीडियो में इन्हीं को लेकर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम नामकरण पद्धति सिखाएंगे। तो पहला है जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, इनको बोलते हैं हम हेलो एल्केन बोलते हैं, ये क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरो हो सकता है या ब्रोमो हो सकता है, ऑक्सीजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब हो सकते हैं। आपको ये याद करना है अच्छी तरीके से, और फिर आगे वाले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। अब है समजातीय श्रेणी। आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाइयों की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित हो सकती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को किसी भी क्रियात्मक समूहों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे क्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसे CH3OH ये एल्कोहल है, OH इसमें, C2H5OH, C3H7OH। आप देख रहे हैं कि हम ये CH4 होना था लेकिन OH एल्कोहल ने आके इसको क्या किया है, एक हाइड्रोजन को इसमें से प्रतिस्थापित किया, तो हम जो कि OH है वो क्रियात्मक समूह कहलाएगा। ठीक है, इससे इसके गुण परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम इन सारी श्रेणी में ये देख रहे हैं कि एक ही प्रकार के OH 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 यहाँ पर आके जुड़ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे हम इसे कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का
क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह मतलब OH जो है अल्कोहल है और उसने एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, समजातीय है, एक सी ही जाति के बन गई, क्योंकि क्या किया है, एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, अब हम समजातीय श्रेणी, उनसे बनने वाले यौगिक, आगे नामकरण पद्धति, ये सब अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।